नौगछिया पुलिस इन दिनों अपराध पर लगाम लगाने के लिए ताबड़तोड़ छापेमारी कर रही है और अपराधियों को दबोच कर काल कोठरी में डाल रही है। इसी कड़ी में एसटीएफ पटना को मिली गुप्त सूचना के आधार पर दो तस्करों को भारी मात्रा में जिंदा गोलियों के साथ गिरफ्तार किया है। दरअसल एसटीएफ पटना को गुप्त सूचना मिली कि दो तस्कर भारी मात्रा में गोली लेकर मकदपुर चौक से नौगछिया रेलवे स्टेशन ट्रेन पकड़ने जाने वाले हैं, जिसके बाद एसटीएफ पटना की टीम ने नौगछिया एसपी सुशांत कुमार सरोज को पूरे मामले से अवगत कराया, जिसके बाद एसपी ने मामले को गंभीरता से लेते हुए अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी दिलीप कुमार के नेतृत्व में छापामारी दल का गठन कर सिंधिया मकदपुर चौक पर छापेमारी किया, जहां से दो तस्करों को 315 बोर की 220 राउंड गोलियों के साथ गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के बाद गिरफ्तार अभियुक्त से उसके गिरोह के बारे में पूछताछ की जा रही है। इस संबंध में गोपालपुर थाना में कांड दर्ज किया गया है। गिरफ्तार दोनों हथियार तस्कर पटना जिला निवासी सालिमपुर थाना क्षेत्र के सैदपुर गांव निवासी राजू राय के पुत्र रोशन कुमार और पटना जिला के बख्तियारपुर थाना क्षेत्र के टेक बिघा निवासी साधु शरण दास के पुत्र रंजय कुमार है। नौगछिया एसपी सुशांत कुमार सरोज ने प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि छापेमारी दल ने साहस भरा कार्य किया है और हथियार एवं गोलियों की तस्करी को विफल किया है। छापेमारी दल में शामिल सभी पुलिस पदाधिकारियों को उचित इनाम की राशि देकर सम्मानित किया जाएगा। जब भागलपुर रहता है वहां से उसको पीछा करते हैं और उसे कलवलिया घाट पर रंगा में वो गाड़ी उसे छीन लेता है हथियार का भय के साथ। हमारी टीम रेड करके गिरफ्तार भी किया और जिसे ये बेचा था कि बांका में से वहां से बरामद किया गया लूटा हुआ मोटरसाइकिल। इस घटना में जो गाड़ी प्रयुक्त हुई एक FZ है एक और पल्सर गाड़ी है, दोनों गाड़ी जो घटना में प्रयुक्त हुई थी इसका हम उल्लेख प्रवक्ता के थाना में प्रवक्ता के FIR में उल्लेख किया गया है। वहाँ पे जो वादी ने बताया कि लूटने में जो गाड़ी प्रयोग हुआ था जो उसका उल्लेख उन्होंने FIR में किया वही दोनों गाड़ी पहचान चिन्ह के साथ बरामद हुआ। अर्थात तीनों कांड में तीनों प्रवक्ता और रगरा का दो कांड, लूटा हुआ गाड़ी, लूटा हुआ मोबाइल और पैसा बरामद हुआ है। प्रवक्ता के कांड में भी रिकवरी नहीं हुई है, जो लूटा हुआ चीज रिकवरी नहीं हुई है और हमें बहुत जल्द भरोसा है कि आज से कल में से रिकवरी भी हो जाएगी। टीम लगी हुई है और सूचना हम उनको मिल भी रहा है और छापामारी की जाएगी। कैरियर दोनों कैरियर है, किसी से जो गोली प्राप्त करता है फिर कैरी करता है फिर दूसरे देता है फिर दूसरा फिर किसी देता है, एक चेन बना हुआ था। और ये सूचना थी SDF पटना सूचना मिली थी और ये मकनपुर से गिरफ्तार किया। ये दोनों है बख्तियारपुर लड़के, जिला पटना बख्तियारपुर लड़ने वाला, ये रोशन नाम है, एक रंजय नाम है, एक का सैदपुर घर पड़ता है, एक का रेशम बिघा घर पड़ता है। कितना का होगा? ये 220 गोली है, 220 गोली है ये और आपका 315 का है। किस तरह का अपराधी घटना उनके अंजाम? निश्चित रूप से ये अवैध तरीका से लाया जा रहा है तो आपराधिक घटनाओं को अंजाम देने के लिए, ठीक है। जिला बल को उपलब्धि हुई इसके लिए सर? बहुत बड़ी उपलब्धि है, बहुत बड़ी उपलब्धि है। ये गोली कहीं के अपराध में प्रयोग होता है, नौगछिया पुलिस और SDF मिल करके उस अपराध जो संभावित अपराध था उसे रोकने में सफल।